SC ST के डॉक्टरों पर आरोप अक्सर लगाया जाता है कि वो डॉक्टर बनेंगे तो टॉवल छोड़ देंगे, सीजर छोड़ देंगे। मैं एक नाम आपको रेफर करता हूँ सर कि निमहंस से एक डॉक्टर रमेश गौतम पास करके लंदन में हैं और वहाँ की NH नेशनल जो हेल्थ सर्विसेज है उसके डायरेक्टर हैं, जबकि वह SC समाज से रखते हैं। श्रीमान, मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर BSP की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। श्रीमान, हमसे पूर्व हमारे सभी वरिष्ठ सदस्यों ने, बुद्धिजीवी सदस्यों ने इस बिल पे विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया। मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में इस देश की सर्वोच्च पंचायत अर्थात संसद ने इस नियत के साथ बनाया था कि देश में की जो कुल आबादी है उस आबादी के आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बेहतर चिकित्सा शिक्षा के अधिकार मिले। इस नियत से, जिसे हम बोलचाल की भाषा में MCI कहते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में गुणवत्ता परक शिक्षा और गुणवान डॉक्टर पैदा हों, गुणवत्ता परक मेडिकल कॉलेज बने, इसके लिए उन्हें ऑटोनोमस अधिकार दिया। प्राथमिक दौर में हम देखते हैं कि MCI ने अच्छा काम किया और MCI के उस अच्छे कार्य की बदौलत देश में अच्छे अच्छे डॉक्टर निकले, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर विश्व में, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन MCI का जो मूल मकसद था कि इस देश में जो मेडिकल कॉलेज बने, प्रदेशों में बने, केंद्र के शासित राज्यों में बने, उन कॉलेजों की फंक्शनिंग देखना, उनके स्टैंडर्ड को जांचना। लेकिन MCI ने अपने उस मूल मकसद को दरकिनार उस समय कर दिया। MCI को चलना चाहिए था 1946 में सर जोसेफ बोर की कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 लाख की आबादी पर अगर एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो भारत जैसे विकासशील देश को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। लेकिन पता नहीं मानवर किन कारणों से 1983 में MCI के एक्ट में 10th A में संशोधन किया गया, जिसके आधार पर जो मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार राज्यों और भारत सरकार को था, वो अधिकार MCI को मिल गए। केवल अधिकार ही नहीं मिल गए, बल्कि MCI का काम जो रेगुलेशन का था, यह नहीं था कि कौन मेडिकल कॉलेज है कौन नहीं खोलेगा। MCI का काम गुणवत्ता परखने या कार्य प्रणाली को जांचने व दुरुस्त करने का था, लेकिन 10th A अमेंडमेंट ने MCI को असीमित अधिकार दे दिए। मानवर, ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन लॉर्ड एक्सन की एक मशहूर कहावत है, पावर ट्रेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। रविंद्र कुमार जी हैं ना, ये 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की बहुत मशहूर कहावत थी। और उसने जब MCI को असीमित अधिकार मिल गए, असीमित अधिकार मिलने के साथ ही MCI के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों को खोलने के जो अधिकार राज्यों से हो वहाँ से छीने, MCI ने अपने मनमानी तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने के अधिकार लोगों को देना प्रारंभ कर दिए। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है जब 10 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की 1946 में सिफारिश आई थी, हम उस सिफारिश को ना मानते हुए, हम उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े आबादी के हिसाब से प्रदेश से आते हैं, जहां पर लगभग 21 करोड़ की आबादी है, वहां पर आज तक 35 लगभग सर 9 मिनट का टाइम दिया गया सर, 9 मिनट, 4 मिनट का सर, 3 ही बचता है सर आदर्श में, 3 सर, 3 मिनट का बचा है, 4 मिनट लिखा हुआ है, आप कंक्लूड कर लें, आप बोल रहे कंक्लूड करें, क्योंकि नहीं सर, सब 2 मिनट कंक्लूड करें, 1-2 मिनट और कर उसे। सर, भ्रष्टाचार की जड़ कहां से हुई है सर? हमारे सीनियर्स ने बताया सर, जो 10 लाख की आबादी पे खोलने की बात थी, 21 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 35 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 10 लाख से भी कम आबादी वाले
पुदुचेरी या केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु में सैकड़ों मेडिकल कॉलेज, ये जो मेडिकल कॉलेज की जो इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, ये एमसीआई के भ्रष्टाचार के कारण हुआ। इसलिए मान्यवर, मैं जब आपने समय सुनिश्चित कर दिया तो मैं कुछ क्लेरिफिकेशन, कुछ अपने सजेशंस माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार के समय मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देने का काम किया, यूनिवर्सिटियों को बनाने का काम किया, क्या उसी तरीके से केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेशों में क्या सीटें, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने का काम करेंगे, नंबर एक। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कोटा जो मैं, जैसा मेरी जानकारी में कि 15,000 सीटें बढ़ाई गई, क्या उस कोटे को बढ़ाने के लिए मानकों को माना गया है? उत्तर प्रदेश में कई कुछ नए कुछ मेडिकल कॉलेज को मैंने पेपर के माध्यम से देखा, परमिशन दी गई। हाँ, वही सब बता रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेजों को अभी नए तरीके से, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजों के सरकारी मेडिकल की स्थिति अगर आप लोग देख लें मानवर, तो उन कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी लेक्चर थिएटर प्रॉपर नहीं है, उनको रहने के लिए हॉस्टल नहीं है, उनके लिए मेस की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं है। मानवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि जनरली ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो ज़्यादातर पूंजीपतियों के या फिर पॉलिटिशियंस के होते हैं, जैसी ये चर्चा है और हैं भी वास्तव में, लेकिन जो नीट के माध्यम से ये कहा गया है कि बराबर का एग्ज़ाम होता है, बराबर का एग्ज़ाम होता है, जनरली ये चार्ज लगाया जाता है कि एससी एसटी के बच्चों को डॉक्टर अगर बनेंगे तो उनको, अशोक जी अब खत्म करें, सर आधा मिनट में अपनी बात, एससी एसटी के डॉक्टरों पर आरोप अक्सर लगाया जाता है कि वो डॉक्टर बनेंगे तो टॉवल छोड़ देंगे, सीजर छोड़ देंगे। मैं एक नाम आपको रेफर करता हूं सर, कि नेमहेन से एक डॉक्टर रमेश गौतम पास करके लंदन में हैं और वहां की एनएच नेशनल जो हेल्थ सर्विसेज है उसके डायरेक्टर हैं, जबकि वह एससी समाज से रखते हैं, जबकि एससी के बच्चों को उन कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलता है जहां पर अभी फैकल्टी पूरी नहीं है, चाहे वो अंबेडकर नगर का कॉलेज हो, चाहे शाहजहांपुर बदायूं का कॉलेज हो, चाहे सहारनपुर का कॉलेज हो। मेरा मानवर, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो नीट के बाद जो स्क्रूटनी होती है जो बच्चों को छाटने की, उसमें एससी एसटी के बच्चों को भी उन कॉलेजेस में मौका दिया जाए, क्योंकि ये आरोप लगता है कि वो 50% में पास होकर डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जो पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में लाखों रुपए की फीस, 11 से 15 लाख रुपए फीस देकर के प्राइवेट कॉलेज में 50% नंबर पाकर भी पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।